गोरखपुर के अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि गोरखपुर के अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो वायरल हुआ तथा एक व्यक्ति अविरल सिंह के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DM गोरखपुर, गोरखपुर पुलिस, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को टैग किया गया है। पोस्ट में लिखा है कि गैंगस्टर के मामलों में घूस लिया जा रहा है, वह भी गोरखपुर में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन अशोक वर्मा तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय द्वारा गैंगस्टर अपराधियों को बचाने के लिए जो 2 मिनट 19 सेकंड का वीडियो अभियोजन कार्यालय का है, जिसमें वर्दी पहने व्यक्ति का चेहरा धुंधला करके छुपाया गया है, वह अधिकारी से गैंगस्टर के मामले में काम कराने की गुजारिश कर रहा है तथा पुलिस वाला नोटों की गड्डी अधिकारी को थमा देता है। इसी वीडियो में एक दूसरे हिस्से में एक व्यक्ति सादे कपड़े में अधिकारी के कार्यालय में बैठकर बात कर रहा है। कुछ देर बाद व्यक्ति रुपए निकालकर अधिकारी को देता है, जिसे वह दराज खुलवाकर उसमें रख देता है। वीडियो की जानकारी होने पर GM ने ATM सिटी को जांच सौंप दी। प्रारंभिक जांच में ही क्लियर हो गया कि वीडियो में रुपए लेते नजर आ रहा अधिकारी प्रभारी निदेशक अभियोजन अशोक वर्मा तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय ही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने बताया कि रविवार को एक व्यक्ति द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसकी जांच के लिए ADM सिटी को नामित किया गया था, जिसमें ADM सिटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया गया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है, जिसके आधार पर शासन स्तर को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा, आगे भी इस तरह का कोई मामला आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा यहाँ की जो समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा, एक ट्वीट हुआ था कल अराउंड 2:30 बजे के आसपास, तो उसको हम लोगों ने जांच कराने के लिए ADM सिटी साहब को नामित किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि मतलब जो व्यक्ति उसमें दिखाया गया है वही अधिकारी है, उनका नाम कोट किया गया, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, तो उसके आधार पर शासन की कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई। बहुत सख्ती से डील किया जाएगा, पब्लिक ऑफिस पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे, और अगर इसमें किसी तरह का अगर इस तरह का शिकायत आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त की जाएगी। देखिए, ऐसा है, हर जगह का एक लोकल रिक्वायरमेंट होता है, वी आर हियर टू एडजस्ट विद द लोकल रिक्वायरमेंट। यहाँ जो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के प्रायोरिटी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ के नहीं हैं। जैसे अभी आएंगे तो यहाँ पर बाढ़ इज़ अ प्रायोरिटी इशू, जल भराव इज़ अ प्रायोरिटी इशू, तो इन सब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का टाइमली कम्प्लीशन इज़ अ प्रायोरिटी इशू। जनता दर्शन, जन सुनवाई, क्वालिटी डिस्पोजल, दीज आर प्रायोरिटीज। तो हर जगह थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, हर सिटीज़ की, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग काम। डेफिनेटली टाइमली डिस्पोजल और क्वालिटी डिस्पोजल्स, कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें डिस्पोजल्स में इशूज़ आते हैं, तो मेरा मानना है कि पहले तो हम लोग बात करके कोशिश करें कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएँ। अगर थोड़ा सा इश्यूज हैं तो एटलीस्ट कंप्लेनेंट्स को पता होना चाहिए कि समस्या का निस्तारण किस तरह से हो। ये संवाद अगर हमारे जो जांच अधिकारी जो मतलब कम कर पाते हैं, तो इसे हमें देखना है कि लोग एटलीस्ट शिकायतकर्ता को बता पाएँ कि इस मैटर का निस्तारण कैसे होगा, नहीं तो वो अन्यथा परेशान होता रहे और मैटर का डिस्पोजल्स नहीं होगा। जो डिस्पोजेबल है वो 100% डिस्पोज किया जाएगा, जिसमें कुछ कमी है या जो हमारे लेवल का नहीं है तो उसमें एटलीस्ट हम लोग ये बताने की स्थिति में रहें कि आपका ये निस्तारण कैसे हो सकता है, ताकि वो वैसे परस्यू कर सकें।